हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गरिमाज रेसिपी। और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ रेस्टोरेंट या होटल में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली पनीर पसंदा की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, पनीर पसंदा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो तक पनीर ले लिया है और उन्हें ऐसे रेक्टेंगल शेप में काट दिया है। आप चाहे जैसे शेप में से काट सकते हैं, स्क्वायर या फिर ट्राइंगल। और इसे इस तरीके से बीच में हमें कट लगाना है ताकि हम इसमें स्टफिंग भर सकें। तो मैंने सारे क्यूब्स में काट लिए हैं इन्हें और कट लगा लिया है। और ये जो स्क्रैप बचा है ये हम चटनी में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक जार ले लिया है और उसमें मैं ये सारे पनीर के जो एक्सेस बचे हैं वो डाल देती हूँ। और साथ ही मैं इसमें मैं कोरिएंडर डाल दूंगी थोड़ा सा। और इसकी डंडियां हमें साथ में ही रखनी है, उसी में सबसे ज़्यादा टेस्ट होता है। चार हरी मिर्च डाल देती हूँ और आप अगर तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी ज़्यादा डाल सकते हैं हरी मिर्च। और इसी के साथ में इसमें हम लोग नमक डालेंगे। तो यहाँ मैं आधा चम्मच इसमें नमक डाल देती हूँ। आप चाहे तो इसमें ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। और अब हमें इन सबको पीस लेना है। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स काटे, काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट। इसे हमें स्टफिंग में ऐड करना है तो मैं इसे पहले अलग रख देती हूँ और इसे पीस कर रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है। और अब हम इस ड्राई फ्रूट वाले बाउल में इस चटनी को निकाल लेते हैं। मैं सारी चटनी इसी के साथ डाल देती हूँ और इसे मिक्स कर लेंगे अब हम। ये देखिए, चटनी हमारी बनके रेडी है स्टफिंग के लिए। और यहाँ पर मैंने आधा कप कॉर्नफ्लावर लिया है और उसमें मैं थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका एक बैटर बना दूंगी। तो मैं आधा कप जितना ही पानी डाल लेती हूँ। आप कंसिस्टेंसी अच्छी थोड़ी सी गाढ़ी ही रखिए क्योंकि जो बैटर है वो नीचे बैठ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम लोग बैटर बनाएं या फिर पनीर को फ्राई करेंगे तो उसे अच्छे से मिक्स करके ही फ्राई करना है। तो ये देखिए किस तरह बैठ गया है, किस तरीके से। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं 1/4 टीस्पून तक, ताकि इसमें टेस्ट आ जाए। और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, हमारा कॉर्नफ्लावर का बैटर बन के रेडी है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमने पनीर लिया है इस पर कट लगाया, तो इसमें हम स्टफिंग भर लेते हैं। तो मैं सारे पनीर में स्टफिंग भर लेती हूँ। इस तरीके से हमें भरना है और ज़्यादा नहीं भरनी है, एक्सेस हो तो उसे निकाल देना है। तो मैं इस तरीके से सारे पनीर की स्टफिंग बनाकर इसे भरकर रेडी कर लेती हूँ और आगे फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल गर्म करने रख दिया है और अब मुझे कॉर्नफ्लावर में इसे लपेट के इस तरीके से फ्राई करना है। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि कॉर्नफ्लावर का घोल को हमें पहले मिक्स करना है अच्छे से और उसके बाद ही इसे डिप करना है, वरना कॉर्नफ्लावर नीचे बैठ जाएगा। तो मैंने ये 3 से 4 पनीर के पीसेस फ्राई कर रही हूँ, एक साथ ज़्यादा ना डालें। और इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा लो नहीं रखना है। ये देखिए, एक साइड से मैंने इसे फ्राई कर लिया है। मैं इसे पलट देती हूँ और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगा, ज़्यादा स्पॉट्स की ज़रूरत नहीं है इसमें हमें। और ये देखिए, हमारे पनीर फ्राई हो गए हैं, मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। मैंने सारे पनीर के पीसेस को फ्राई कर लिए हैं अच्छे से। अब हम लोग ग्रेवी बनाने की तरफ चलते हैं। तो ये जो ऑयल हमारा बचा था, इसी ऑयल में हम ग्रेवी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर प्याज ले लिए हैं 2-3 टमाटर और 4-5 हरी मिर्च ले ली, इन्हें मोटा मोटा काट लिया है। और अब इसी ऑयल में हमें इसे फ्राई करना है। तो मैं सारा इसमें डाल देती हूँ। और जैसा कि मैंने आपको मटर पनीर में और बताया था कि किस तरीके से हम इसे जल्दी से फ्राई कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसे हाई फ्लेम पर रख रखा है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ और इसे हाई फ्लेम पर ढककर 5 मिनट के लिए पकाऊंगी और ये बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने ढक्कन हटा दिया है और बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है ये। इसे बिल्कुल नहीं चलाया था मैंने,
इसी हाल में छोड़ दिया था। और अब मैं इसे ठंडा करके बारीक इसका पेस्ट बना लेती हूँ। फिर मैं इसे ठंडा करने रख देती हूँ। ये जो ऑयल हमारा बचा है अब हम इसी में सब्जी बनाने वाले हैं, तो इस ऑयल को गर्म करने रख देते हैं। एक चम्मच में इसमें जीरा डाल देती हूँ और एक चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे। हमें कसूरी मेथी इसी वक्त डालनी है, बाद में नहीं डालना है। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। आप तीखापन अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी हरी मिर्च दो बार डाल चुके हैं, तो आप मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूंगी और हमें गैस की जो आँच है वो धीमी रखनी है, वरना मसाले हमारे जल जाएंगे। और एक चम्मच नमक डाल दूंगी। नमक भी हमें स्वाद अनुसार डालना है, क्योंकि हमने पहले भी नमक ऐड किया था कॉर्नफ्लावर के घोल बनाने में, और जो स्टफिंग हमने बनाई उसमें भी नमक है। तो आप नमक को बिल्कुल ध्यान से डालिएगा, वरना ज़्यादा हो सकता है नमक। तो ये देखिए हम इसे मसाले को भून रहे हैं, और यहाँ पर मैंने एक चम्मच गरम मसाला ऐड कर लिया है। पानी ऐड करके हमें इसे भूनना है मसाले को अच्छे से। अब मैं ये मसाला भून लेती हूँ। दो तीन मिनट तक इस मसाले को ऐसे ही भूनने देंगे, और उसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डालेंगे। इस तरीके से बनाने से मसाला भी बहुत अच्छा बन जाता है और साथ ही में कलर भी बहुत अच्छा है सब्जी में। तो ये देखिए मैंने पेस्ट इसमें ऐड कर लिया है सारा, और अब हमें इस पेस्ट को भी अच्छे से भूनना है। वैसे हमारा मसाला भी भुना हुआ है और पेस्ट भी पहले से फ्राई किया हुआ है, तो हमें बहुत ज़्यादा इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ 5 मिनट तक इसे अच्छे से भून लेती हूँ, और साथ ही में मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। जैसे हम भूनते हैं आप, मैं सभी को मिक्स कर लेती हूँ मसाले के साथ में, और धीमी आँच पर ही मैं इसे 5-7 मिनट भून लेती हूँ, ताकि बहुत अच्छा टेस्ट आ जाए ग्रेवी का। ये देखिए दोस्तों, मैंने अच्छे से इसे भून लिया है, और अब ये जो कॉर्नफ्लावर का पानी बचा था उसमें मैंने सिर्फ पानी ऐड कर दिया है, और इसे ज़्यादा नीचे से चलाना नहीं है और इसे ऐड कर देना है। दोस्तों अगर आपकी ये सब्जी की जो ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा पतली है तो ही आप ये कॉर्नफ्लावर का पानी डालिए, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसे डाल लिया ताकि सब्ज़ी अच्छी गाढ़ी रहे, और साथ ही में मैंने आधा कप फ्रेश क्रीम भी मिला ली है, जिससे हमारी सब्जी में बिल्कुल रिच फ्लेवर आएगा और बहुत टेस्टी लगेगी ये। आप कभी भी मलाई या फिर क्रीम सब्जी में डालेंगे तो आप उसका टेस्ट देखिएगा, बहुत अच्छा आता है उससे। तो आप इसे बिल्कुल स्किप मत करना, और क्योंकि पनीर पसंदा बना रहे हैं और एक शाही सब्जी है ये, तो इसमें मलाई तो डालना ही चाहिए, तो इसलिए मैंने इसे डाल दिया है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेती हूँ, और इसे इसमें उबाल आने देते हैं अच्छे से। 2-3 मिनट तक इसे हम चलाएंगे और पकने देंगे। मैं सारी जो मलाई है वो अलग अलग जा रही है, तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दिया है। और ये देखिए दोस्तों, उबाल भी आने लगा है और हमारी ये ग्रेवी बनकर बिल्कुल रेडी है। मलाई डालते वक्त आप धीमी आंच रखें या गैस बंद कर दें। ये देखिए दोस्तों, हमारी सब्जी बनकर रेडी है। मैंने प्लेटिंग इस तरीके से की है कि पहले इसमें ग्रेवी डाली, उसके बाद हमने पनीर के पीसेस डाले, और फिर क्रीम और धनिया पत्ती से इसे गार्निश किया है, ताकि हमारे जो पनीर के पीसेस है वो ऊपर दिखे और बहुत सुंदर लगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी ये सब्जी बनकर रेडी हुई है, टेस्टी भी बहुत है। अगर आपको भी पनीर पसंदा की रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, और मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।